गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला। सुबह ही मुंबई से गोरखपुर पहुंचा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर एक मुस्लिम युवक द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में मंदिर की सुरक्षा में तैनात 2 पीएसी जवान घायल हुए हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि युवक ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए धारदार हथियार से हमला किया। जवानों पर हमला करने वाले युवक को मंदिर के कर्मचारियों और बाकी पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। इस दौरान हमलावर भी घायल हो गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घायल हमलावर से इलाज के बाद पूछताछ करेगी। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए गोरखपुर के एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि हमलावर का नाम अब्बासी अहमद मुर्तजा है। एडीजी ने कहा कि अब्बासी अहमद मुर्तजा गोरखपुर के ही सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला है। इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जरूरत है। युवक ने 2015 में IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। युवक रविवार 3 अप्रैल की सुबह ही मुंबई से लौटा है। फिलहाल युवक ने हमला क्यों किया इसका पता नहीं चल सका। युवक की मानसिक हालत की भी जांच की जा रही है। एडीजी के मुताबिक पूछताछ के बाद इस मामले से जुड़े और अपडेट मीडिया के साथ शेयर किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद ये कहकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि IIT पास आउट इंजीनियर के दिमाग में इतनी नफरत आई कैसे। इतना ही नहीं, अब्बासी अहमद मुर्तजा के पिता मुनीर मुर्तजा ने एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि उनके बेटे अब्बासी अहमद मुर्तजा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस मुनीर मुर्तजा से भी पूछताछ कर रही है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ऐसी घटनाओं को मानवीय आधार पर देखा जाना चाहिए और मजहबी रंग देकर समाज को दूषित नहीं करना चाहिए। बुलडोजर वाली कथा बंद हो, रामराज के समय बुलडोजर नहीं थे और राम की न्यायप्रियता जग जाहिर है। वहीं एक ने लिखा, इसे यहाँ तक पहुँचाने में अंधभक्त का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, नफरत की फसल बोई है तो अमन और शांति के फल कैसे उगेंगे। वहीं एक ने लिखा, मुझे लगता है कोई मजबूरी हो सकती है या फिर कोई ऐसी चीज जो इन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ये IIT के स्टूडेंट हैं और मैं भी एक IIT का स्टूडेंट हूँ। मैं जानता हूँ कि इसे क्रैक करने के लिए कितनी मुश्किल होती है। वहीं एक ने लिखा, आजकल पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसका उदाहरण ये है और बुल्ली सुली ऐप बनाने वाला नीरज भी है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।